गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। टुडे आवर टॉपिक इज सेमी कंडक्टर लेजर। सो सबसे पहले हम सेमी कंडक्टर लेजर्स की बात करने से पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास है एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर। सो जो हमारे पास आइसोलेटेड एटम्स के एनर्जी स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आइसोलेटेड एटम है, इट कंसिस्ट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। बट इफ इन केस ऑफ क्रिस्टल्स में ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो हमारे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियाई से बाउंड होके क्रिस्टल्स बनाते हैं, लेकिन जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इनके वेव फंक्शन और एनर्जी भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आयंस क्रिएट हो जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं जो आयंस फील्ड क्रिएट करेंगे उसके अंदर मूव करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के लेवल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना रह के बैंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास बैंड्स किस टाइप से हो गए, ये एनर्जी बैंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोजली पैक्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे लोएस्ट एनर्जी बैंड है वो क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जो इसे हायर एनर्जी लेवल बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। अब बात आ रही है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, जब किसी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, नो इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर। लेकिन जब हम इसमें डोपिंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाता है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेजर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब हम फोटो लाइट बीम ऐसी पास करें जिनकी एनर्जी क्या है, बैंड गैप। दिस इज ईजी, बैंड गैप क्या होता है, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वो एनर्जी हम पास कर रहे हैं किसी सेमीकंडक्टर से, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारा टॉप में है वैलेंस बैंड के में, वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, फोटोन को एब्जॉर्ब करे और कंडक्शन बैंड में चला जाए। या फिर क्या हो सकती है, जो कंडक्शन बैंड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इंसिडेंट फोटोन की वजह से क्या आ जाए, वैलेंस बैंड में आ जाए और जो है हमारे पास क्या हो जाए, फोटोन रिलीज हो जाए जब ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन हो। तो फोटोन किस डायरेक्शन में आ जाए, जो इंसिडेंट फोटोन था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडिएशन एम्पलीफाई हो गया। तो एक तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है और एक हमारे पास क्या हो रही है, स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है। तो अगर हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन से डोमिनेट कर रही है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो सकता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे क्रिएट हो रहा है, अभी मैं जो है बेसिक की बात कर रही हूँ, इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज हायर देन दैट ऑफ होल्स एट टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। कि जो कंसंट्रेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड के अंदर ज्यादा हो जाए किसके कंपेरेबल, होल्स हमारे पास जो है वैलेंस बैंड के अंदर। सो ये हम जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पंपिंग प्रोसेस होगी। और यहाँ पे पंपिंग हमारी कौन सी यूज होगी, पंपिंग हम अपनी यूज़ कर सकते हैं या तो ऑप्टिकल पंपिंग से
या फिर दोनों ही तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन बीम पास करके सेमीकंडक्टर से, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम विथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी हमारे पास नियर अबाउट 100 किलो वोल्ट में होगी। तो ऐसा हमारे पास कैडमियम सल्फाइड लेजर्स में यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हाई एनर्जी बीम यूज़ कर रहे हैं तो वो है उसकी एनर्जी मैक्सिमम कहाँ लूज़ हो जाती है, मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर चिप को हीट करने में। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है इस कंडक्शन बैंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और हायर लेवल्स में चले जाएंगे, जिससे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स बैंड के बॉटम में रिड्यूस कर जाएंगे, और जो है इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें कूलिंग चाहिए हमें, तो यहाँ से एनर्जी इस तरह से काफ़ी लूज़ हो जाती है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। अब बात कर रहे हैं डोपिंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, डोप्ड सेमीकंडक्टर में प्रोसेस कैसे हो रही है, ये अभी मैं आपको बेसिक के लिए डाल रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर और डालूँगी मैं आपको जिसमें आपको एग्ज़ाम में क्या राइटअप करना है। जब किसी क्रिस्टल के अंदर लाइक हमने इम्प्योरिटीज़ ऐड करती तो उससे उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंप्रूव कर जाती हैं। तो ये हमारे पास डोपिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, डोपेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं डोनर्स या फिर क्या हो सकता है, एक्सेप्टर्स। लाइक हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें या तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सिलिकॉन एटम के साथ जब हम फास्फोर्स ऐड करेंगे तो फास्फोर्स में हमारे पास क्या होता है, फिफ्थ ग्रुप के होते हैं, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेंगे, चार इलेक्ट्रॉन जो हैं सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया वो डोनर इम्प्योरिटी का काम करेगा। तो डोनर जो है क्या कर सकता है, अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को दे सकता है, कंडक्शन बैंड को दे रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या काम करेगा, वो फास्फोरस डोनर का काम करेगा। सो लाइक हमारे पास ये वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, डोनर लेवल क्लोज टू कंडक्शन बैंड, ये डोनर लेवल होता है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर दिए जाएं। तो एक तो फिफ्थ ग्रुप के ऐड कर रहे हो आप और यहाँ से थर्ड ग्रुप के ऐड कर रहे हो आप, फिफ्थ ग्रुप से आपके डोनर जो है एटम्स मिलेंगे आपको, और इससे क्या करेंगे, लाइक फास्फोरस एग्जांपल है पी, और यहाँ से क्या है, इंडियम एलिमेंट है, ये क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप के होते हैं। ये क्या करेगा, एक इसमें जो है थ्री इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल लैटिस से आप एक एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन को जो है पिक कर लेगा और जो वहाँ पे होल क्रिएट कर देगा और वहाँ से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। सो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल किसके क्लोज है, वैलेंस बैंड के क्लोज है। सो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम जो हैं क्रिस्टल्स को कैसे तैयार कर सकते हैं, पी और एन टाइप से, तो लाइक पी टाइप और एन टाइप से हमारे पास क्या बन रहा है, पी एन जंक्शन। अब जो है ये क्रिस्टल बन गया तो पी रीजन को हमने पॉजिटिवली बायस कर दिया, तो क्या होंगे हमारे पास, होल्स जो हैं पी रीजन से आके कहाँ इंजेक्ट हो जाएंगे, पी रीजन से एन रीजन में, और जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से किस में आ जाएंगे, पी रीजन में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ से इस प्रोसेस में हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सेस एनर्जी निकलेगी, किसकी फॉर्म में निकलेगी,
इन फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। अभी मैं आपको जस्ट बेसिक बता रही हूँ, फिर मैं एग्जाम में क्या लिखना है वो नेक्स्ट लेक्चर भी डालूंगी। हीट और लाइट के में, लेकिन जो रिकम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, इसी पे प्रिंसिपल बेस्ड है सेमीकंडक्टर लेज़र का। तो हमारे पास अगर वो हीट की फॉर्म में हो रही है, किसकी फॉर्म में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में यही होता है कि वो एक्सेस एनर्जी किस फॉर्म में निकल जाती है, हीट की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, हीट ज़्यादा निकल गई। तो यहाँ से ये मटेरियल्स हैं नो यूज फॉर लेज़र एक्शन। लेकिन जो गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल है, यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी मोस्टली एमिट होगी लाइट की फॉर्म में, मोस्ट ऑफ एनर्जी एमिटेड अपीयर्स एट लाइट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड को हम सेमीकंडक्टर लेजर्स में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर लेजर्स। और जो पीएन जंक्शन हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन किस कंडीशन में क्रिएट होता है, जब हमारे पास क्या हो, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हो। मींस पी को हम कनेक्ट करें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन को किसे कनेक्ट करें, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि फॉरवर्ड बायस होना चाहिए पीएन जंक्शन जो है। तो जो पीएन जंक्शन बना है उसमें, उसी के प्लेन में हमारा ओरिजिनल फोटोन ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है रेडिएशन एम्प्लीफाई हो गया तो गेन इंक्रीज कर गया। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल रेजोनेटर भी होना चाहिए, ऑप्टिकल रेजोनेटर। इसमें क्या करेंगे, ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है, लाइक हम मिरर्स यूज़ कर रहे थे बाकी लेजर्स में, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम, जो है अपना जो क्रिस्टल बना हुआ है उसके जो है एंड फेसेस को पॉलिश कर देंगे, सो दैट हमारे फोटोन्स जो हैं साइड से एस्केप करके ना निकल जाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रॉपर वर्किंग लिखूं।